हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम। ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। कोई भी आपका स्टूडेंट यदि कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। बहुत तरह का आप कॉन्सेप्ट यहाँ से सीख के जाओगे जो आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में बहुत ही बेनिफिट होगा। चलो स्टूडेंट, पहले देखते हैं। पहला जो प्रॉब्लम दिया गया है ये आपका मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम करवा रहे हैं। ऑल ब्रांच के लिए ये आपका मैथ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी ब्रांच को मैथ पढ़ना है। तो चलो पहला प्रॉब्लम को देखते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं। इफ डेल इज आपका एक आपका मैट्रिसेस दिया गया स्टूडेंट, ये आपका मैट्रिक्स जो है आपका 3×3 मैट्रिसेस है। इसका मतलब 3 रो है और 3 आपका क्या है, कॉलम है। सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि रो किसको बोलेंगे, कॉलम किसको बोलेंगे। तो ये वाला जो लाइन होगा स्टूडेंट, ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन होगा, ये आपका क्या होगा, रो होगा। ये आपका 1 रो है, ये आपका दूसरा रो है, ये आपका क्या है, 3 रो है, 3 रो है। ये वाला लाइन को क्या बोलेंगे, रो 1 बोलेंगे स्टूडेंट। ये वाला को क्या बोलेंगे, रो 2 बोलेंगे। और ये वाला को क्या बोलेंगे, रो 3 बोलेंगे। इसका मतलब है इस मैट्रिक्सेस में 3 रो है, 1 रो, 2 रो, 3 रो। चलो स्टूडेंट, आप देखते हैं इस मैट्रिक्सेस में कॉलम आपका कितना है। तो ये इस वाला लाइन को क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। इसका मतलब है यहाँ पर एक कॉलम है, यहाँ पर आपका दूसरा कॉलम है, यहाँ पर आपका क्या है, तीसरा कॉलम है। इसका मतलब है इस मैट्रिक्सेस में आपका 3 रो है और 3 आपका क्या है, कॉलम है। 3 रो और 3 कॉलम आपका मैट्रिसेस यदि दिया जाए, उस मैट्रिसेस का यदि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला जाए, तो हम लोग इसको डिटर्मिनेंट में कैसे हम लोग सॉल्विंग करेंगे। चलो स्टूडेंट, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट सिखाते हैं आपको, कैसे आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो, कोई भी एक रो में आपका 2 जीरो आ जाए तो सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। या तो किसी भी डिटर्मिनेंट का एक कॉलम में 2 जीरो आ जाए तो वह भी सॉल्व करना क्या है, बेहद ईजी है। आपको गुणा क्या करना होगा, कम करना होगा, वही टेक्निक का इंप्लीमेंट करके इस डिटर्मिनेंट का सॉल्विंग करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्विंग करते हैं, आप ध्यान दो, आपको पूरा समझ में आएगा। अब देखो स्टूडेंट, ये जो आपका मैट्रिसेस है, ये 3×3 का क्या है, मैट्रिसेस है। 3×3 का मतलब है कि इस मैट्रिसेस में 3 रो है और 3 आपका क्या है, कॉलम है। 3 रो और 3 कॉलम मैट्रिसेस का हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, उसी चीज को आज आपको यहां पर सिखाएंगे। चलो स्टूडेंट, अब देखते हैं कि इस डिटर्मिनेंट का R1 रो को हम लोग क्या कर रहे हैं, R1 रो को R1 से क्या कर रहे हैं, R2 में क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। R1 को R2 से माइनस कर रहे हैं और लिख कहां रहे हैं, R1 में लिखेंगे। कहां लिखेंगे, R1 में लिखेंगे। फिर स्टूडेंट, यहां पर हम लिख रहे हैं R2 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, R2 माइनस क्या करेंगे, R3 करेंगे। R2 माइनस R3 करके हम R2 कॉलम में जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करेंगे, पुटअप करेंगे, फिलअप करेंगे। चलो ध्यान से समझते हैं। अब देखो, R1 को R2 से माइनस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको कहां लिखेंगे, R1 में लिखेंगे। चलो यहां पर कितने रो है, तो 3 रो है। तो अब देखो, अब हम ऑपरेशन करना शुरू करते हैं। अब देखो, R1 माइनस R2 करेंगे तो रो 1 को रो 2 से माइनस करेंगे, तो 1 को 1 से माइनस करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, आपका 0 बचेगा। अब देखो, इस रो को इस रो से माइनस करेंगे और R1 में लिखेंगे तो क्या होगा, A माइनस क्या होगा, B होगा। अब मेरे को बताओ कि यदि R1 का ये एलिमेंट को इस एलिमेंट से माइनस करेंगे तो अब आप ध्यान से समझने का कोशिश करो, B प्लस C है, उसको माइनस किससे करेंगे, C प्लस A से करेंगे। सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, B प्लस C माइनस C माइनस क्या होगा, A होगा। ये C कैंसिल हो गया तो आपको क्या मिलेगा, B माइनस A मिलेगा। इसका मतलब यहां पर आप क्या लिख सकते हो, B माइनस क्या लिख सकते हो, A लिख सकते हो। चलो R1 को लिख दिए। अब देखो, R2 के जगह पर क्या लिखेंगे, R2 माइनस R3। तो R2 के जगह पर R2 माइनस R3 करेंगे तो 1 को 1 से माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। फिर इसको इससे माइनस करेंगे तो आपका क्या होगा, B माइनस C होगा। फिर इसको इससे माइनस करेंगे स्टूडेंट, आप ध्यान दो, ये माइनस ये होगा तो यहां पर ये आपका माइनस आएगा, यहां पर प्लस है, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा। यहां पर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप यहां पर सॉल्व भी कर सकते हो, C प्लस A और माइनस क्या होगा, A प्लस क्या होगा, B होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो C प्लस क्या हो जाएगा, A माइनस क्या हो जाएगा, A माइनस क्या हो जाएगा, B, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, C माइनस क्या मिलेगा, B मिलेगा। तो यहां पर आपका क्या हो गया, C माइनस क्या हो गया, B
बी हो गया। चलो इसको अब क्या करते हैं, अब R3 को जैसा है उसे लिख देंगे। ये वन है, ये आपका क्या सी है, और ये आपका क्या है ए प्लस, क्या है बी है। आपको ये चीज समझना होगा तभी जाके आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्विंग कर सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना होगा। अब मल्टीप्लाई करने से मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। इसीलिए इस इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर ले रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट, ये जो कॉलम है ये आपका C1 कॉलम है। C1 कॉलम में दो एलिमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, एक एलिमेंट क्या है आपका वन है। तो हम लोग क्या करेंगे, C1 को कंसीडर करते हुए इस डिटरमिनेंट का सॉल्व करेंगे। अब देखो ये आपका क्या होता, पॉजिटिव होता है, ये आपका नेगेटिव होता है, ये आपका पॉजिटिव होता है, इस तरह करके। ये यदि पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, और ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो इस रो को कंसीडर करते हुए हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, इस रो को कंसीडर करते हुए, इस रो को कंसीडर नहीं, इस रो को कंसीडर करते हुए नहीं करेंगे, अब इस रो को नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, इस कॉलम को कंसीडर करते हुए इस प्रॉब्लम का क्या करेंगे, सॉल्विंग करेंगे। अब देखो, अब चीजों को समझो, ये आपका जीरो है, जीरो किस में है, जीरो आपका किस कॉलम में, इस कॉलम में है, और इस कॉलम में है, इस कॉलम में है, इस रो में। इसको ब्लॉक करेंगे और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमको क्या करना, सिंपल जहां पर वन है उससे लेके सॉल्यूशन करना है, ये तो जीरो जीरो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये आपका क्या है वन है, तो यहां पर वन लिखेंगे, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब क्या करेंगे, वन को लेके सॉल्विंग कर रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। तो देखो ये ब्लॉक हो गया, ये आपका क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो आपको क्या मिला, ये मिला और ये मिला, इसको आपस में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखो इसको ब्लॉक कर दिए, अब हमको क्या करना, इसको इससे गुना करना, इसको इससे गुना करना, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, और आपका क्या हो जाएगा, इसको इससे क्या करना, मल्टीप्लाई करना, और क्या हो जाएगा सी माइनस क्या हो जाएगा बी, फिर इसको दोनों के बीच में माइनस लगाना है, फिर इसको इससे गुना करना, इसको इससे गुना करना, तो बी माइनस सी, और आपका क्या हो जाएगा, आप ही बताओ, बी माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको अब ध्यान दो, आपको पूरा समझ में आएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, वन से पूरे चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यही चीज होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी माइनस बी से, माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी माइनस बी में, ये माइनस को अंदर डाल देंगे तो माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बी माइनस ए से, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सी को मल्टीप्लाई करेंगे बी माइनस ए से। सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो AC होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो AB होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो BC होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो B स्क्वायर होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो B स्क्वायर होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो BC होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, AC होगा। अब जो कैंसिलेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे इस प्रॉब्लम का क्या आंसर होगा। देखो यहां पर AC है, यहां पर भी AC है, यहां पर आपका AB है, माइनस है, ये आपका प्लस है, यहां पर माइनस है, ये आपका प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, पूरा पूरी टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा किया आपका जीरो। मतलब इस डिटरमिनेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा आपका क्या होगा, जीरो होगा। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम था, इस तरह करके ही हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। इस कॉलम को कंसीडर किया, ये जीरो है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली इसका ऑपरेशन नहीं करना है, क्योंकि जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे वो ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। तो हमको इस कॉलम का ये एलिमेंट को लेना है, इसको ब्लॉक कर देना है, और आप क्या करना, आपस में मल्टीप्लाई करना ऐसे ऐसे, और दोनों के बीच में क्या होगा, माइनस साइन होगा। प्रॉपर ढंग से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसका मतलब है इस मैट्रिसेस का आपका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। ये आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरह का प्रॉब्लम यदि एग्जाम में पूछे तो आपको इसी तरह करके सॉल्विंग करना है। चलो आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। आगे का प्रॉब्लम क्या है, 2 नंबर है। ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन का प्रॉब्लम है। इसमें आपका 10th टर्म को फाइंड आउट करना है। एक आपका इक्वेशन दिया गया है, 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर का होल के पावर कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। चलो ध्यान देते हैं इसको कैसे सॉल्विंग करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर आपका क्या है, यदि आपका x प्लस वाई के पावर n रहे और इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन के रूप में ब्रेक करने के लिए बोले, तो इसका कुछ एक बेसिक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को याद रखिए। TR+1 इज इक्वल टू होता है nc, क्या होता है, r होता है, x के पावर क्या होता है, n माइनस आर होता है, और y के पावर क्या होता है, r होता है। इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, याद रखना है। यदि आप इस फॉर्मूले को याद रख पाओगे तो आपका ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, बेहतरीन ढंग से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इसमें आपको क्या निकालना है, 10th टर्म का एक्सपेंशन निकालना है।
टेंथ टर्म का एक्सपेंशन निकालने के लिए कुछ कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए। यह आपका क्या है एक्स टर्म है, यह आपका क्या है वाई टर्म है, एक्स के जगह पर इसको फिलअप करेंगे, वाई के जगह पर इसको फिलअप करेंगे। अब बोलोगे कि सर आर का वैल्यू क्या होगा और एन का वैल्यू क्या होगा, तो जो इसका पावर है वही आपका क्या है एन है। तो इस प्रॉब्लम में एन का वैल्यू कितना होगा, 12 होगा। और आपसे पूछ रहा है कितना टर्म्स पूछ रहा है, टेंथ टर्म पूछ रहा है। तो यदि आपका यही निकालना है तो टेंथ टर्म निकालने के लिए आर का वैल्यू क्या पुट अप करोगे, तो आप बोलोगे कि सर आर का वैल्यू 9 पुट करेंगे, तो 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम में आर का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर आर का वैल्यू क्या होगा 9 होगा। यही चीज आपको समझना है। अब देखो स्टूडेंट, टी हो गया, R की जगह पर N पुट कर, R के जगह पर 9 पुट करोगे, 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब मेरे को बताओ N, N के जगह पर क्या है 12 है, C R के जगह पर क्या है 9 है, X के जगह पर क्या है, तो आप बताओगे 2X का स्क्वायर, N माइनस R दोनों के बीच में आपका गैपिंग कितना है, तो 12 माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहां पर 12 माइनस क्या करोगे 9 करोगे। Y का वैल्यू क्या है, तो Y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल पावर क्या हो जाएगा R, और R का वैल्यू क्या है आपका 9 है, तो आप क्या पुट करोगे 9 पुट करोगे। अब देखो 10th टर्म हम निकाल रहे हैं, देखो T क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखो आपको पता होना चाहिए बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक फॉर्मूला होता है, NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइडिंग बाय फैक्टोरियल r, और क्या होगा n माइनस क्या होगा r होगा। यह चीज आपको याद रखना है, फैक्टोरियल n डिवाइडिंग बाय फैक्टोरियल r इंटू क्या होगा एन माइनस आर होगा, एन माइनस आर का क्या होगा फैक्टोरियल होगा। यह चीज आपको याद रखना है एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है। चलो ये फॉर्मूला के इंप्लीमेंट करेंगे, तो फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये फैक्टोरियल का सिग्नेचर है, 12 में से 9 को घटाएंगे तो 9 10 11 12, तो फैक्टोरियल क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और आपको इसको सॉल्व करना है 2x स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 1 बटा एक्स स्क्वायर के पावर आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं बेहतरीन ढंग से, तो फैक्टोरियल 12 को कैसे लिख सकते हैं 12 गुना 11 गुना 10 गुना क्या होगा फैक्टोरियल 9 होगा, ऐसे लिखेंगे। फैक्टोरियल 9 यहां पर अवेलेबल है लिखते हैं, और 3 को कैसे लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना क्या लिख सकते हैं 1, ये फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 8x के पावर 3 दुगनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा गुना 1 बाई एक्स के पावर 9 दुगनी क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, बताओ ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो 3 दुगनी 6, 6 दुगनी क्या होगा 12 होगा। अब देखो अब मेरे को बताओ, अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आर दूनी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। और आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया एक्स के पावर 6 और ऊपर में क्या होगा 18 होगा, तो अब बताओ कितना हो जाएगा आप ही बताओ। तो आपका आंसर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब देखो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है तो x के पावर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे x के पावर क्या होगा माइनस 12 होगा, और इसको गुना कर लोगे तो 16, और यहाँ पर ये हो जाएगा ये 6 हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 176 और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1760 एक्स के पावर माइनस 12। इसका मतलब है 10th टर्म का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर 10th टर्म का जो वैल्यू होगा 1760 फिर से बता रहे हैं 1760 इंटू क्या होगा एक्स के पावर क्या हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, एक्स के पावर क्या हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा। मतलब इस तरह का प्रॉब्लम यदि पूछा जाए एग्जाम में तो आपको इसी तरह करके बनाना है। इस प्रॉब्लम में बेसिक चीज क्या फोकस करना है, यदि 10th टर्म पूछे तो आपका आर के जगह पर 9 पुट करना है, ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है, ओरिजिनल फॉर्मूला को आपको याद रखना है। इस टर्म को एक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं वाई बोलते हैं, एक्स के पावर एन माइनस आर होता है, एन का ये वैल्यू होगा, आर का वैल्यू यहां पर एक कम होगा, 10 पूछेगा तो आर का वैल्यू क्या होगा 9 होगा। ये चीज को आपको याद रखना है। NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइडिंग बाय फैक्टोरियल r इनटू n माइनस क्या होता है r होता है। ये बेसिक चीज को याद रखना है, प्रॉपर ढंग से कैलकुलेशन करना है, फैक्टोरियल का ब्रेक करने आना चाहिए। 12 को हम लोग ब्रेक करते करते कहाँ पहुँचेंगे, 1 तक पहुँचेंगे, तो 12 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया, यहाँ पर फैक्टोरियल 9 लिख दिए,
ऊपर में 9 फैक्टोरियल है, नीचे में फैक्टोरियल 9 है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 को कैसे लिखेंगे, 3 गुना 2 गुना 1, उसके बाद उसको प्रॉपर ढंग से सॉल्विंग करेंगे, सॉल्विंग करके जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब 12 का जो आंसर होगा, सॉरी 2 का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं, आगे का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। इस तरह का प्रॉब्लम आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपको क्या करना है, प्रॉपर ढंग से क्या करना है स्टूडेंट, सॉल्विंग करना है। प्रॉपर ढंग से क्या करना है, सॉल्विंग करना है, तो आपको पूरा समझ में आएगा। चलो स्टूडेंट आप देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला हम यहां पर लिख दे रहे हैं आपको। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होगा, एनसीआर का जो फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल आर और क्या होगा, एन माइनस क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, एक जगह पर लिख लेना है। ये आपका क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आपको क्या करना है, प्रॉपर ढंग से क्या करना है, याद रखना है, तो आपको क्या होगा, सहूलियत होगा। क्या होगा स्टूडेंट, सहूलियत होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर ढंग से क्या करना है, याद रखना है। प्रॉपर ढंग से क्या करना है, याद रखना है। चलो आगे का प्रॉब्लम देखते हैं, आगे का प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्विंग करोगे। ठीक है, चलो इसको साफ करते हैं स्टूडेंट। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर थर्ड को। अब प्रॉब्लम नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं कि प्रॉब्लम नंबर थर्ड का सॉल्यूशन क्या होगा, प्रॉब्लम नंबर थर्ड का सॉल्यूशन क्या होगा। ये आपका एग्जाम में पूछा गया है, इस तरह का प्रॉब्लम आपको पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अब देखो प्रॉब्लम नंबर थर्ड, प्रॉब्लम नंबर थर्ड क्या है स्टूडेंट, द कोफिशियंट बाइनोमियल एक्सपेंशन का ही फिर से एक प्रॉब्लम ले रहे हैं। द कोफिशियंट ऑफ एक्स के पावर सेवन इन द एक्सपेंशन x के पावर 11 है इसको आपको एक्सपेंशन करके बताना है कि x के पावर 7 का कोफिशियंट कितना होगा। चलो देखते हैं प्रॉपर ढंग से, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आप बशर्ते आप ध्यान दो, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब देखो स्टूडेंट दोनों प्रॉब्लम में कुछ डिफर है, डिफर को समझते हैं कि डिफर क्या है। द कोफिशियंट ऑफ एक्स के पावर 7 इन द एक्सपेंशन एक्स के पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स के पावर होल 11 इज। चलो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को हम लोग ब्रेक करते हैं और आप ध्यान दो। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स का पावर कितना है, 11 है। आप मेरे को बताओ n का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। y का वैल्यू क्या होगा, 1/x होगा। ठीक है, अब देखो अब मेरे को बताओ r का वैल्यू तो पता नहीं है क्योंकि 10th टर्म निकालने बोल रहा था, तो r का वैल्यू क्या हो रहा था, 9 हो रहा था। बट यहां पर कोई टर्म निकालने नहीं बोल रहा है, आपको बोल रहा है एक्स के पावर 7 का कोफिशियंट वैल्यू कितना होगा। चलो ठीक है, देखते हैं प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करते हैं। देखो टी आर प्लस वन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर एन सी और क्या होगा, आर होगा। ठीक है, एक्स के पावर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर एन माइनस क्या होगा, आर होगा। और वाई के पावर क्या होगा आपका, आर होगा। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एन सी आर, एक्स के पावर एन माइनस आर, वाई के पावर क्या होगा, आर होगा। एक्स क्या होगा यहां पर, तो आप बोलोगे कि x जो होगा x स्क्वायर होगा। तो चलो n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू 11 होगा, 11। c क्या लिखेंगे, r लिखेंगे, r का वैल्यू मेरे को पता नहीं है। x का वैल्यू क्या लिखेंगे, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखेंगे। n माइनस आर तो क्या हो जाएगा, 11 माइनस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। चलो ठीक है, यहां तक भी समझ में आ रहा। y का वैल्यू क्या होगा, 1/x का पावर क्या होगा, r होगा। r मेरे को पता नहीं है तो यहां पर क्या लिखेंगे, r लिखेंगे। ठीक है, चलो अब आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं, आगे का सिचुएशन को। तो 11 c क्या होगा, r होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, x के पावर ये आपका क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और ये आपका 1 के पावर r करेंगे तो 1 ही होगा। और यहां पर क्या होगा, x के पावर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो 11 cr होगा, x के पावर क्या हो जाएगा, 22 माइनस 2r। और ये प्लस में है, नीचे में, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस r होगा। ठीक है, सॉल्व कर लिए। तो इसका सॉल्यूशन कितना है, 11 cr
x के पावर आप ही बताओगे, तो 22 माइनस क्या होगा आपका स्टूडेंट 3r होगा, 22 माइनस क्या हो जाएगा 3r हो जाएगा, 22 माइनस क्या हो जाएगा 3r हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1 बाई एक्स के पावर क्या हो जाएगा r हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये 22 माइनस 2r नीचे में r है, ऊपर जाएगा तो माइनस r हो जाएगा, x के पावर 22 माइनस क्या हो गया 3r हो गया, 11cr हो गया, और ये आपका क्या हो गया tr प्लस क्या हो गया 1 हो गया। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए इस प्रॉब्लम में, क्या किए बेसिक कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंट किए, टी आर प्लस वन एन सी आर, एक्स के पावर एन माइनस आर, वाई के पावर क्या होगा आर होगा, एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर होगा, वाई का वैल्यू वन बाई एक्स होगा, एन का वैल्यू 11 होगा, आर का वैल्यू मेरे को पता नहीं है, आर का वैल्यू ही मेरे को निकालना है। अब देखो क्या बोल रहा है, द कोफिशियंट ऑफ एक्स के पावर क्या है 7 है, मतलब एक्स के पावर क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए, इसका मतलब स्टूडेंट इसको 7 होने के लिए इस इक्वेशन को किसके बराबर लाना पड़ेगा 7 के बराबर लाना पड़ेगा, और आर का वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा कि आर का क्या होगा, r का वैल्यू क्या होगा। अब मेरे को बताओ ये आपका क्या 11cr है, x के पावर 22 माइनस 3r है, x के पावर 7 का कोफिशिएंट पूछ रहा है, इसका मतलब इसको 7 होना पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे कि 22 माइनस 3r इज इक्वल टू क्या होगा 7 होगा, तो यहां पर 22 माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3r हो जाएगा। अब मेरे को बताओ कि यहां पर कितना होगा, 22 में से 7 जाएगा तो क्या होगा 15 होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो आप बताओ r को सॉल्व करोगे तो ये आपका r का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका मतलब है r के जगह पर यदि आप 5 पुट करोगे तब x के पावर क्या होगा 7 होगा, तो यहां से हमको समझ में आ गया कि r का वैल्यू क्या होगा 5 होगा, r का वैल्यू क्या होगा 5 होगा, तभी जाके x के पावर क्या होगा 7 होगा, तो x के पावर ये 7 होगा तो उसका कोफिशिएंट ही पूछ रहा है, मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा है कि 11cr मतलब 11c5 का वैल्यू क्या होगा, वही आपका इस प्रॉब्लम का क्या होगा कोफिशिएंट होगा। चलो अब देखते हैं x के पावर 7 का कोफिशिएंट को हम लोग फाइंड आउट करके बता देंगे कि उसका कोफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा, उसका कोफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा। अब चलो ध्यान दो कि उसका कोफिशिएंट का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या 11cr, 11cr, और r का वैल्यू कितना निकला है आपका 5, तो इसका मतलब है r के जगह पर क्या पुट करोगे, तो r के जगह पर 11cr के जगह पर 5 पुट करोगे, एक फॉर्मूला भी बताए थे ncr इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडिंग बाय फैक्टोरियल r, और क्या बताए थे n माइनस r का क्या बताए थे अभी बताए थे फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला को आपको क्या करना लिखना है, इसी फॉर्मूले के इंप्लीमेंट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करना है, n के जगह पर क्या है 11 है तो 11 फैक्टोरियल हो जाएगा, r के जगह पर क्या है 5 है तो 5 फैक्टोरियल होगा, n माइनस r करेंगे तो फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 11 को ब्रेक करेंगे, 11 10 9 होगा, उसके बाद क्या होगा 8 होगा, 8 के बाद क्या होगा 7 होगा, 7 के बाद क्या होगा बोलो फैक्टोरियल क्या होगा 6 होगा, अब देखो 6 लिख दिए, 5 को ब्रेक करेंगे तो 5 4 3 2 और क्या होगा 1 होगा गुना फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसका मतलब नीचे भी फैक्टोरियल 6 ऊपर भी फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया। अब देखो 5 दुगनी क्या होगा 10 होगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि इसको कैसे कैंसिल करोगे, इसको कैंसिल कैसे करोगे। अब देखो ये 3 है तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 दुगनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो 11 तिया क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, और 7 दुगनी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है 33 और 14 को आपस में मल्टीप्लाई करना, 4 तिया 12, 4 तिया 12 ये 13, यहाँ पर क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 462 हो जाएगा। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 462, क्या मिलेगा 462, क्या मिलेगा 462, इसका मतलब है एक्स के पावर 7 का कोफिशिएंट जो होगा वो आपका क्या होगा 462 होगा। ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन का प्रॉब्लम है और बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सिंपल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला लगाने आना चाहिए, तो आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा आराम से सॉल्विंग हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपका क्या था प्रॉब्लम नंबर 3 था। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4th में कि प्रॉब्लम नंबर 4th का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये सब प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, तो आपको क्या करना है इस तरह का प्रॉब्लम को प्रॉपर ढंग से नोट्स बना लेना है।
चलो स्टूडेंट अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर फोर का सॉल्यूशन आपको करना है। क्या पूछ रहा है ध्यान दो, साइन आज थोड़ा सा बेहतरीन प्रॉब्लम ले रहे हैं, थोड़ा सा समझना है। 18 डिग्री का वैल्यू क्या है, रूट फाइव माइनस वन है, बटा कितना है 4 है। आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ कॉस 36 डिग्री इज क्या होगा। पहला ऑप्शन है 1/4 ब्रैकेट रूट फाइव माइनस वन, बी नंबर में है आपका 1/2 रूट फाइव माइनस क्या होगा 1, सी नंबर में है 1/4 रूट फाइव माइनस क्या है 1 है, और डी नंबर में आपका नॉन है। ठीक है चलो देखो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्विंग करते हैं बेहतरीन ढंग से, आपको पूरा समझ में आएगा। थोड़ा सा आपको क्या करना है, पेशेंस बना के रखना है, तो आपको क्या हो जाएगा पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा। ठीक है ध्यान दो। अब देखो स्टूडेंट एक बेसिक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है इसको आपको याद रखना है। ठीक है ये याद रख पाओगे प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्विंग। ठीक देखो थीटा का वैल्यू 18 डिग्री है और यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या है 36 डिग्री है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है देखो यहाँ पर कॉस है 2 है, 36 लाने के लिए यहाँ पर कितना गुना करेंगे 18, बोलो यस या नो। ठीक है इज इक्वल टू थीटा के जगह पर क्या पुट किए देखो तो 18 पुट किए, इसका मतलब इस फॉर्मूला क्या होगा कॉस स्क्वायर 18 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा बताओ तो साइन स्क्वायर 18 डिग्री होगा बोलो तो यस या नो। इसका मतलब इसको गुना करेंगे तो कॉस क्या हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 18 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा यस या नो। अब बताओ यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलो ठीक है अब देखो कॉस 36 डिग्री का वैल्यू निकालना है, साइन 18 डिग्री का वैल्यू दिया गया है, कॉस 18 डिग्री को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। एक फॉर्मूला आपको बताए थे जब प्रॉब्लम सेशन कर रहे थे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस को हम लोग साइन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस कॉस को यदि ब्रेक करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा बताओ साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर क्या है 18 डिग्री है। चलो ठीक है यहाँ पर लिखते हैं साइन स्क्वायर क्या लिखते हैं 18 डिग्री रहने देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ 18 डिग्री होगा कि नहीं बताओ, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो साइन 18 डिग्री का वैल्यू आपको पता है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 और 18 डिग्री का वैल्यू क्या है रूट फाइव माइनस वन बाई क्या होगा 4 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 और इसको यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर में बेक करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर का मतलब रूट फाइव का स्क्वायर, रूट फाइव को स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस हो जाएगा माइनस 2 ए बी, ए के जगह पर रूट फाइव है बी के जगह पर 1 है, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2 रूट फाइव हो जाएगा, और नीचे में आपका कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 16 मिलेगा, इसका मतलब इसको इसके कैंसिल करेंगे तो 8 मिलेगा, यहाँ पर 1 है माइनस लगाएंगे 5 एक क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 6 माइनस 2 रूट फाइव बटा कितना हो जाएगा बताओ तो 8 हो जाएगा, इसको क्या कर लेंगे ब्रैकेट में घेर लेंगे। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप प्रॉपर ढंग से क्या करो इसको नोट्स बनाओ। ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या होगा बताओ तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 रूट क्या हो जाएगा 5 और नीचे में स्टूडेंट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर 2 रूट 5 और नीचे में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, देखो 2 आपका कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका रूट 5 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसको कैंसिल करोगे तो आपको 4 मिलेगा, तो इसका मतलब 1 प्लस रूट 5 बाई क्या होगा 4 होगा, 1 प्लस रूट 5 बाई क्या होगा
4 होगा, 1 प्लस रूट 5 बाई क्या होगा 4 होगा। इसका मतलब है यदि साइन 18 डिग्री का वैल्यू रूट 5 माइनस 1 बाई 4 है तो कॉस 36 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो आप बोलोगे कि कॉस 36 डिग्री का वैल्यू 1 प्लस रूट 5 बाई क्या होगा 4 होगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा 1 बाई 4 ब्रैकेट रूट 5 प्लस क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब है साइन 18 डिग्री का वैल्यू यदि ये है तो कॉस 36 डिग्री का जो वैल्यू होगा जस्ट क्या होगा, इसी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा। यहां पर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहां माइनस है तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही आपका क्या होगा कॉस 36 डिग्री का वैल्यू होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, यहां माइनस है तो वहां पर क्या होगा प्लस होगा, बस इतना ही बसरते ध्यान रखना है। बट कैसे होता है आपको पूरा प्रोसेस बता दिए, ये प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है, इस तरह का प्रॉब्लम आपको आना चाहिए। बसरते एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसको याद रखना है। ये फॉर्मूला याद है ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा आराम से सॉल्विंग हो जाएगा। तो ये आपका 4 नंबर का प्रॉब्लम था। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, 5 नंबर का प्रॉब्लम को सॉल्व करवाते हैं आपको। प्रॉपर ढंग से क्या करना है स्टूडेंट, नोट करना है, ठीक है। चलो आगे का प्रॉब्लम देखते हैं, 5 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कैसे करोगे। चलो अब देखो 5 नंबर प्रॉब्लम, ये भी आपका प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 5 नंबर प्रॉब्लम बोला है लिमिट x टेंस टू 2, वैल्यू है आपका x के पावर 5 माइनस 32 बाई एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 4 है, ठीक है। चलो देखो ध्यान दो, इसको समझने का कोशिश करो। देखो यदि दो यहाँ पर x के जगह पर x टेंस टू 2 है और 2 यदि पुट करेंगे और 2 के पावर 5 है तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो 0 होगा, 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 और 4 माइनस 4 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, ये 0 बाई 0 फॉर्म है, क्या है 0 बाई 0 फॉर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, ये क्या होता है अभी समझाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को डेरिवेटिव करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और नीचे वाले को भी डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। जब 0 बाई 0 फॉर्म होगा तभी जाके आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, ऊपर भी डेरिवेटिव करोगे नीचे भी डेरिवेटिव करोगे। तो डेरिवेटिव करने से पहले एक फॉर्मूला याद रखना है, एक्स के पावर एन को यदि एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो फॉर्मूला होगा एन एक्स के पावर एन माइनस 1 होगा, और यदि हम लोग कोई कॉन्स्टेंट टर्म को एक्स के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। ये दोनों फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे। चलो ध्यान दो, इसको यदि डेरिवेटिव करेंगे तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होगा, तो 5 एक्स के पावर n माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, फिर इसको डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा, n यहां आएगा एक्स के पावर n माइनस 1 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, क्या मिलेगा 0 मिलेगा। चलो ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा 5 एक्स के पावर 4 और नीचे कितना आया आपका 2x आया, x x कैंसिल होगा बचेगा कितना x के पावर 3, तो 5 x के पावर 3 बाई क्या होगा 2 होगा। यहां पर आपको क्या लिखना है लिमिट लिमिट x टेंस टू क्या लिखना है 2 लिखना है, फिर यहां पर क्या लिखना है लिमिट x टेंस टू क्या लिखना है 2 लिखना है, x क्या टेंस करेगा लिमिट x टेंस टू क्या 2 क्या टेंस करेगा 2, x के जगह पर अब क्या करना है अब डेरिवेटिव नहीं होगा, अब तो 0 बाई 0 फॉर्म नहीं आ रहा तो एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाना है, अब आपको क्या करना है x के जगह पर 2 पुट कर देना है तो 5 हो जाएगा, 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो कितना 2 का पावर क्या हो जाएगा x के जगह पर 2 2 का पावर 3 और यहां पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो एक 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 के पावर 2 बचेगा तो 5 और 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है 4 होता है, अब 5 गुना क्या हो जाएगा 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन आपका क्या है इस प्रॉब्लम का, पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है आपका 20, तीसरा ऑप्शन है आपका 40 और डी नंबर में आपका क्या है नॉन है, तो आप ही बताओ क्या होगा।
5 20 होगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ये आपका क्या था, लिमिट का प्रॉब्लम था। इस तरह करके आपका लिमिट में प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। आप बेहतरीन ढंग से क्या कर सकते हो, लिमिट का प्रॉब्लम को बना सकते हो, बशर्ते पहले चेक करना है ये आपका 0/0 फॉर्म में आ रहा है। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ऊपर वाले को डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नीचे वाले को डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद चेक करेंगे क्या 0/0 फॉर्म आ रहा है, अभी 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा, रुक जाएंगे। यदि अभी भी 0/0 फॉर्म आता डेरिवेटिव करने के बाद भी, तो फिर क्या करते, अगेन वन टाइम्स डेरिवेटिव करते, तब तक करते जब तक ये 0/0 फॉर्म नहीं होता। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, लिमिट का प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व करेंगे। चलो आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं, आगे का प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे। ये आपका क्या था, प्रॉब्लम नंबर 5 था, आपको नोट करना है, नोट कर लो प्रॉपर ढंग से। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 6 बताते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 6 आपका क्या है। अब देखो एक प्रॉब्लम दिया गया है, डेरिवेटिव से रिलेटेड है। प्रॉब्लम नंबर क्या है आपका, 6 है। 6 में क्या बोला है, इफ y इज इक्वल टू दिया गया स्टूडेंट sec इनवर्स x, आपसे पूछ रहा है देन dy by dx क्या होगा, इज इक्वल क्या होगा, इज इक्वल क्या होगा। आपसे पूछ रहा है, ये ऑप्शन दिया गया है माइनस x बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, बी ऑप्शन दिया गया है 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन दिया गया है, सी नंबर में दिया गया 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन दिया गया है, डी में दिया गया आपका नन, डी में आपका क्या दिया गया, नन। चलो ध्यान दो, यहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीख के जाएंगे। देखो y इक्वल टू क्या है, sec इनवर्स x है। sec इनवर्स x को यदि डेरिवेटिव करेंगे तो आपको याद रखना है dy by dx करेंगे, और यदि आपका d by dx है और y के जगह पर आपका क्या है sec इनवर्स है, याद रखोगे फॉर्मूला आराम से बन जाएगा। sec इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता, वन होता, डायरेक्ट याद रखोगे, ठीक है। कुछ कोई फॉर्मूला लिखा रहे हैं d by dx, यदि sec के जगह पर आपका कोसेक इनवर्स एक्स दिया जाता, कुछ नहीं होता, सिंपल थोड़ा सा चेंजिंग होता, यह माइनस आता, प्रॉब्लम वही रहता, वही उतर जाता, ठीक है, यही रहता, सिंपल क्या होता, माइनस होता। ये दोनों फॉर्मूला को क्या करोगे, याद रखोगे। एक फॉर्मूला और है डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, यदि पूछे तो इसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट 1/1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, याद रखना है। डी बाई डी एक्स यदि पूछे कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो माइनस लिखना है 1/ क्या लिखना है 1 प्लस एक्स को लिखना है। ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बोलना 1/ रूट ओवर 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी याद रखना है। डी बाई डी एक्स यदि पूछे कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ माइनस लगाना है, रूट ओवर 1 माइनस क्या करना है एक्स स्क्वायर करना है, ठीक है। ये सब चीज़ों को याद रखना है। तो sec इनवर्स x का फॉर्मूला जो होता है वही आपका cos इनवर्स में होगा, सिंपल क्या होगा, माइनस साइन लगेगा। तो समझो बात को, tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होगा वही फॉर्मूला cot इनवर्स में होगा, सिंपल क्या होगा, माइनस लगेगा। sin इनवर्स का जो फॉर्मूला होगा वही आपका cosec इनवर्स का भी फॉर्मूला होगा, सिंपल क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो कहाँ माइनस लगेगा, जो एलिमेंट c से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये c से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर क्या लग रहा है, निगेटिव लग रहा है, निगेटिव कर देना है। ये c से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर क्या लग रहा है, निगेटिव लग रहा है। ये c से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या लग रहा है, निगेटिव लग रहा है। इसका मतलब जो एलिमेंट आपका सी से स्टार्ट होगा उसका इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, आगे में क्या होगा, निगेटिव होगा। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकली याद रख लेंगे। ये आपका इनवर्स का फॉर्मूला है, ये इनवर्स का फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, इसमें से आपका एक प्रॉब्लम आ जाएगा। इसका मतलब sec इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको बोलना है क्या होगा, b होगा 1/x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, 1 होगा। यही आपका कोसेक इनवर्स होता तो आंसर क्या हो जाता, a हो जाता। ये फॉर्मूला को अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना प्रॉपर ढंग से, तो आपका प्रॉब्लम आराम से बन जाएगा इनवर्स का। चलो 6 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया, अब देखते हैं 7 नंबर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे, 7 नंबर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे। चलो ये फॉर्मूला को आपको क्या करना, नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, इसको क्या करना है, याद रखना है प्रॉपर ढंग से। एग्जाम में पूछेगा तो आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्विंग कर सकते हो। एग्जाम में पूछेगा तो आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्विंग कर सकते हो। चलो स्टूडेंट अब एक लास्ट प्रॉब्लम बताते हैं। अब देखो 7th नंबर प्रॉब्लम क्या है, 7th नंबर प्रॉब्लम है y इक्वल टू x के पावर क्या है, x है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है देन क्या पूछ रहा है, dy by dx का वैल्यू आपका क्या होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन दिया गया है, कुछ ऑप्शन दिया गया है, उसको आपको क्या करना है,
लिखना है और एक ऑप्शन आपका क्या है राइट होगा। ए ऑप्शन में दिया गया है आपका x के पावर x प्लस क्या है 1 और आपका क्या है log x है। बी नंबर में है आपका x के पावर x और क्या है log x माइनस क्या है 1 है, ठीक है। सी ऑप्शन में है x के पावर x और आपका क्या है log x प्लस क्या है 1 है, और डी नंबर में आपका क्या है नॉन है। ध्यान दो, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। यदि किसी एलिमेंट के पावर यदि x के पावर x रे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे, x के पावर क्या x है तो बोथ साइड क्या लेंगे लॉग लेंगे, तो लॉग y हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा लॉग x के पावर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा लॉग y हो जाएगा। x इधर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा लॉग x हो जाएगा, यस या नो अब बताओ। ये आपका x है, ठीक है। अब देखो इस फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा लॉग वाई को वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1/y हो जाएगा, और डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। फिर इसको डेरिवेटिव करेंगे तो यू इंटू वी के फॉर्म में, तो एक्स को छोड़ेंगे लॉग एक्स को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब क्या करेंगे लॉग एक्स को क्या करेंगे छोड़ेंगे और एक्स को डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ये एक्स कैंसिल हो गया, आपको क्या मिला 1 प्लस क्या मिला बताओ log क्या मिला x मिला, और यहां पर आपको क्या मिला dy by क्या मिला dx मिला। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां पर y हो जाएगा, इसका मतलब dy by dx is equal to क्या हो गया y into bracket 1 plus log x, और y का वैल्यू क्या है देखो तो x के पावर x है, y का वैल्यू पुट कर देंगे तो x के पावर x ब्रैकेट 1 प्लस क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। इसका मतलब है इस ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन क्या होगा x के पावर x ब्रैकेट log x प्लस क्या होगा 1 होगा। इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए बोथ साइड लॉग लेना है, लॉग वाई हो जाएगा लॉग एक्स के पावर एक्स हो जाएगा, लॉग का प्रॉपर्टी लगाएंगे किसी भी लॉग एलिमेंट के पावर यदि एक्स रहता तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। ये आपका यू इंटू वी के फॉर्म में, यू को छोड़ेंगे वी को डेरिवेटिव करेंगे, फिर क्या करेंगे वी को छोड़ेंगे यू को डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो लॉग वाई को वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1/y होगा, वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy by dx होगा। अब क्या करना सिंपल आपको एडजस्ट कर लेना है dy by dx का वैल्यू क्या होगा x के पावर x ब्रैकेट 1 प्लस क्या होगा log x होगा। ये आपका क्या है 7th नंबर प्रॉब्लम का क्या है ऑब्जेक्टिव है। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज 7 प्रॉब्लम का डिस्कशन किया, 7 प्रॉब्लम बेहद ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही कंसेप्चुअल था, बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम का सॉल्विंग कराए। तो ये सब प्रॉब्लम को क्या करना अपने नोट कॉपी में प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाना है, बार बार रिविजन करना है, जो फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं उस फॉर्मूले को क्या करना याद कर रखना है, और आपको 2-4 बार प्रैक्टिस करना है तो आपका क्या हो जाएगा प्रॉब्लम आराम से बनेगा। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे आपको क्या करें इस तरह का लॉन्ग वीडियो मिल सके, आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सको। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।